हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो बस यहाँ मॉर्निंग का काम शुरू हो गया है मेरा, और अर्ली मॉर्निंग से मैंने कभी भी वीडियो नहीं बनाया है। बहुत ही कम ऐसा चांस होता है जो अर्ली मॉर्निंग से, मैंने एक दो ही बार बनाया होगा। वैसे मैंने अर्ली मॉर्निंग से मेरा वीडियो नहीं बन पाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल होता है, मिस्टी जाती है, तो बहुत जल्दी उठना पड़ता है, बहुत जल्दी बहुत सारे काम होते हैं, तो डस्टिंग वगैरह करनी होती है। सुबह सुबह मैं नहाने से पहले ही सब कुछ कर देती हूँ, डस्टिंग वगैरह पूरे हाउस की डस्टिंग करती हूँ। पहले बैक की करती हूँ, फिर फ्रंट की करती हूँ, फिर अंदर की करती हूँ। तो बस पूरा ये शेड्यूल होता है। और आज मैं मॉर्निंग में लंच में बना रही हूँ छोले, जो का वो वाइट वाले छोले वही बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने खड़े मसाले ले लिए हैं कुछ, मैंने जैसे इलायची, लौंग और दालचीनी और बड़ी इलायची, तो उसको मैं ना थोड़ा सा रोस्ट कर रही हूँ। रोस्ट करने का इसमें मैंने वो थोड़ा देर में भूनते हैं, फिर मैंने इसमें जीरा डाल दिया था, जीरा डाल के मैंने इसमें खल में कूट दिया है। तो इससे ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है छोले में, कभी भी आप ट्राई कर देखना, बहुत अलग सा टेस्ट आता है। तो यहाँ पर मैं टमाटर प्याज को मैंने फ्राई भी कर लिया है, फ्राई करके मैंने ग्राइंड किया है। आप इस तरीके से कोई भी, मैं हर बार वीडियो में बताती हूँ, जब भी कोई मैं ऐसी सब्ज़ी शेयर करती हूँ तब मैं बताती हूँ आप लोगों को, अगर कोई भी सब्ज़ी आप फ्राई करके डालेंगे तो टमाटर और प्याज फ्राई करके ग्राइंड करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अलग सा टेस्ट आता है, बहुत टेस्टी बन जाती है सब्ज़ी। तो यहाँ पर बस तड़का दे दूँगी, और यहाँ पर थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा गरम मसाला डाला हुआ है, थोड़ा थोड़ा डाला हुआ है इसलिए क्योंकि इसमें ना छोले मसाला पड़ेगा अभी, इसलिए ज़्यादा मसाले नहीं डाले हैं। फिर वो भी जो खड़े मसाले हैं वो भी तो मसाले ही हैं, वो भी हार्ड हो जाते हैं थोड़े से, तो इसमें मैंने थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, बस ज़्यादा नहीं डाला है अभी, नमक नहीं डाला है। नमक मैं पूरा सब्ज़ी छौंकने के बाद पानी वगैरह सब कुछ डाल देती हूँ, तब मैं नमक डालती हूँ, मेरी आदत है। मुझे ना ऐसे आइडिया नहीं लगता, कोई कोई ना इस तरीके से ही सामान को देख कर पूरा और नमक डाल देता है, मैं नहीं डाल पाती हूँ, मेरी ना बिल्कुल भी आदत नहीं है, कहीं तेज़ हो जाए, कहीं ज़्यादा हो जाए, कहीं कम हो जाएगा, तो मैं इसलिए मैं बाद में ही डालती हूँ। और यहाँ पर मैं डाल दूँगी छोले, ये देखिए। तो मेरे मैंने छोले ना सुबह मॉर्निंग में ही उबाल लिए थे, तो मेरे छोले उबल गए हैं, तो बस देख रही हूँ। मेरी आदत है कि जब छोले फूलने डालती हूँ तब भी, जब बॉयल करने रखती हूँ तब भी मैं बहुत उससे देखती हूँ कहीं छोला कहीं ख़राब तो नहीं है, और मैं इसमें भी देख रही हूँ, जब डाल रही हूँ तब भी देख रही हूँ कि कोई छोला ख़राब तो नहीं है। वैसे फ्रेश है, तो ताज़ा ही लाए थे ये, जब ग्रॉसरी का सामान आया हुआ था उसी में लाए हुए थे, क्योंकि ना छोले ख़त्म हो गए थे, जब मैंने कन्या खिलाई थी तब मेरे छोले ख़त्म हो गए थे, तब से सामान आया नहीं था, तो फिर लिखा रखा था, तो फिर सामान लेकर आए थे उसी में से मैंने निकाले थे। और यहाँ पर मैं यहाँ पर थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल रही हूँ, और यहाँ पर छोले मसाला डाल रही हूँ, तो बस यहाँ पर ये सब डालकर और सब्जी ना छोले की काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनती है, इस तरीके से बनाएंगे। थोड़ा सा म्यूजिक लगाती हूँ, आप लोग देखिए, इन्जॉय करिए वीडियो को। छोले में मैंने नमक भी डाल दिया है, और नमक डालने के बाद यहाँ पर मैंने दूसरी गैस पे छोले रख भी दिए हैं, और मैंने चावल भी बनने रख दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। थोड़े से मेरे बर्तन थे वो भी मैंने साथ के साथ धुल दिए हैं, फिर ना बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा काम फैल जाता है, तो किचन भी मैं साथ के साथ ना क्लीन करती चलती हूँ, तो बहुत ज़्यादा गंदगी नहीं होती है, फटाफट से काम हो जाता है इस तरीके से अगर काम करो तो। यहाँ पर ना रोटी में घी लगा रही थी, तो बस यहाँ पर मेरे छोले बन गए हैं, मैंने ढक के रख दिए हैं, चावल भी हमारे बन गए हैं, उसको भी ढककर, और बस हस्बैंड का टिफ़िन लगा दूंगी अब जल्दी से, फटाफट से। पहले मैंने रोटियां रख दी थी और अब मैं छोले और चावल रख दूंगी, तो बस इस तरीके से आप जल्दी जल्दी, सुबह सुबह ना बहुत भगदड़ होती है, तो बस वीडियो बनने रख दो। फिर ना मॉर्निंग का अगर मैं वीडियो बनाती हूँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा कट करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा,
क्योंकि वो बनता रहता है बनता रहता है, और मोबाइल भी भरता रहता है। तो फिर ज़्यादा अगर ज़्यादा वीडियो हो जाए ना मोबाइल में तो फिर ना कवर नहीं होते हैं, फिर तो ये लगता है थोड़े ना डिलीट करो। और थोड़ा सा हस्बैंड नहाने गए थे तो थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने कहा जल्दी से बेडशीट भी साफ़ कर देती हूँ लगे हाथ। तो बस यहाँ पर मैं जल्दी से बेडशीट साफ़ करने के लिए आ गई हूँ, और आज मैं चीज़ का पराठा बनाऊँगी। मैंने मिष्टी को भी चीज़ का पराठा दिया था, मैंने अपना तो बिगाड़ लिया था, मैं भूल गई मैं चीज़ का पराठा बना रही हूँ। मैंने बेल दिया क्योंकि चीज़ के पराठे को ज़्यादा बेलना नहीं होता है, क्योंकि फिर चीज़ निकल जाएगी, वो तवे पे चिपकती है, फिर वो बेकार हो जाता है पराठा। तो बस हस्बैंड और इनका, चाहे मेरा समझ लो चाहे हस्बैंड का समझ, मैंने उन्हें उन्हें अच्छा दे दिया था और मैंने ऐसा ही खा लिया था। लेकिन चीज़ का पराठा काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बना था, और गर्म गर्म उसको खाओ काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना था। और स्कूल में मिष्टी को भी दिया था तो मिष्टी भी कह रही थी मम्मी बहुत अच्छा बना था। तो बस बहुत अच्छा लगा था चीज़ का पराठा। और पनीर और चीज़ के पराठे बनाओ ना दोनों चीज़ मिक्स करके तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे बनते हैं और टेस्टी बनते हैं। यहाँ पर मैंने बेड को भी क्लीन कर दिया है, तो कभी कभी एक दो दिन दो तीन दिन छोड़कर मैं पूरा क्लीन कर देती हूँ सही से, क्योंकि ना मिट्टी बहुत आती है, मिट्टी बहुत आती है, तो मिट्टी ना पूरे बेड पे दिखाई देने लगती है कि यहाँ परत जम जाती है मिट्टी की। और सर्दियों में तो वन वन वीक नहीं करती थी तब भी कुछ नहीं, क्योंकि गेट वगैरह सारे बंद होते हैं ना सर्दियों में, तो इतनी धूल मिट्टी नहीं आती। गर्मियों में ज़्यादा आती क्योंकि सारे गेट वगैरह सब खुले होते हैं और हवा भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ चलती है पूरे दिन में, पूरे दिन बस हवा ही चलती रहती है, तो मिट्टी ना काफ़ी ज़्यादा आती है। तो बस यहाँ पर मैं बेडशीट को साफ़ कर दूँगी, थोड़ा सा म्यूजिक लगाती हूँ, आप लोग देखिए एंजॉय करिए वीडियो को। जैसे आप रोटी वगैरह पराठा वगैरह बनाते हैं उस तरीके का मैंने बेल लिया है, और इस पे ना थोड़ा सा मैंने घी लगाया है। आपके पास बटर है तो बटर लगा दें, घी है तो घी लगा दें, दोनों एक ही बात है। और यहाँ पर मैंने वो चीज़ रख कर, और मैंने इस पे थोड़ा सा हल्का सा मैंने नमक डाला था, और मैंने हल्की सी मिर्ची डाली थी क्योंकि चीज़ में वैसे भी ऑलरेडी नमक होता है, तो मैंने थोड़ा सा डाला था क्योंकि आटा है ना साथ में, तो उसके साथ ना फिर फीका फीका लगता। तो यहाँ पर मैंने अपना पराठा काफ़ी मैं भूल गई, दिमाग से तो निकल गया मेरे, तो बस ज़्यादा बेल दिया तो वो फट गया था, तो फटने के कारण मैंने उसका वीडियो नहीं बनाया था। और हस्बैंड का पराठा देखिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना, ये देखिए इसको ज़्यादा बेलना नहीं होता है चीज़ डालने के बाद इसमें। तो यहाँ पर हस्बैंड का पराठा बहुत अच्छा बन गया था, मेरा पराठा बहुत घटिया बना था। तो यहाँ पर हस्बैंड ना हस्बैंड नाश्ता कर रहे थे, तो बस मैं कुछ काम कर रही थी, शायद इनका फ्रूट वगैरह काट रही हूँ शायद, कभी कभी ना फ्रूट लेट हो जाता है काटने में, तो बस ये नाश्ता कर रहे हैं। अभी मैं भी आ जाऊँगी फटाफट से जल्दी से काम करके, और मैं भी नाश्ता कर लूँगी। तो बस यहाँ पर सुबह सुबह बहुत ज़्यादा भगदड़ होती है, लंच लगाना होता है और फ्रूट भी काटना होता है, और मैं आ गई हूँ इनका टिफ़िन लंच सब कुछ पैक करके और फ्रूट वगैरह सब कुछ रख कर। तो मेरा चीज़ का पराठा ख़राब हो गया, तो ये कह रहे थे लो तो एक बाइट मेरे से टेस्ट कर लो तुम हल्का। मैंने कहा नहीं, मैं उन्हें दिखा रही हूँ देखो कितना अच्छा बना है, और मेरा देखो कितना बेकार बना है, ये देखिए मैं। अब ये कहते हल्का तुम खा लो थोड़ा सा खा लो, तो मैंने कहा ठीक है खा लेती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल होता है, सबका ही होता है, मैं हर बार बताती हूँ, मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल होता है। हस्बैंड चले गए हैं और मिष्टी भी चली गई हैं, और मैं नाश्ता कर रही थी तो मैंने कहा थोड़ा सा सूट कर लेती हूँ आप लोगों के साथ, थोड़ा सा आप लोगों के साथ थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। तो बस अभी ना बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, किचन भी मेरी ऐसी फैली पड़ी है, देखिए आप लोग किचन की दशा ऐसी है पूरी तरीके से, बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है।
और अभी मुझे ना ग्रॉसरी का सामान भी रखना है, ये देखिए ये रखा हुआ है और किचन के अंदर भी रखा हुआ है थोड़ा सा, तो ये भी मुझे सेट करना है। और आज दीदी भी नहीं आएंगी, झाड़ू पोछा भी लगाना है, तो बस फटाफट से कर लेते हैं जल्दी जल्दी से काम। और मिष्टी की छुट्टी अब हो जाती है, वही 12:30 बजे 1 बजे तक आ जाती है मिष्टी। तो बस आज मैंने चीज़ का पराठा बनाया था, मेरा मिष्टी का और इनका तो बहुत अच्छा बन गया था। मेरा मैंने क्या किया, मैं अपने में भूल गई, मैं चीज़ का पराठा बना रही हूँ, मैंने ना लंबा बेल दिया और वो ना फट गया, तो बस तवे में चिपक गया, तो मैंने वही ही खाया है अचार के साथ। और चीज़ का पराठा काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, गरम गरम खाओ ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो इनका तो बहुत अच्छा बना था, मिष्टी का भी, और उसे ना ज़्यादा बेलना नहीं होता है क्योंकि हम बेल के ही उसमें चीज़ रखते हैं और फिर उसको फोल्ड कर देते हैं और फिर हल्का सा बेलन घुमाते हैं, ज़्यादा नहीं। और मैं ना अपना पराठा, वो चाहे किसी का भी समझ लो, चाहे इनका समझ लो, चाहे मेरा समझ लो, लेकिन मैंने वो ही खाया है। और चलिए फिर मैं कर लेती हूँ फटाफट से जल्दी जल्दी से काम, फिर आप लोगों से मिलूँगी, ठीक है। बस आज दीदी नहीं आई हैं, तो बस का सारा काम मेरा कंप्लीट हो गया है। बस मैं ऐसे ही झाड़ू पोछा जल्दी से फटाफट से कर देती हूँ, सारा सामान हटा हटा के नहीं कर रही हूँ क्योंकि ना थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। तो बस ऐसे ही झाड़ू सारे में लगा ले रही हूँ क्योंकि दीदी आती हैं तब तो सारा हटा हटा के झाड़ू पोछा लगाती हैं। तो मैं इस तरीके से झाड़ू, बस लॉबी लॉबी का ही मैंने आप लोगों को दिखाया है मैंने, लेकिन मैंने पूरे घर में झाड़ू पोछा लगाया था, दोनों कमरों में और बाहर पीछे जो बैकग्राउंड है वो भी और आगे भी किचन में भी। और लेकिन ना फिर कैमरा लेके जाओ ना बार बार बार, और वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा लेंथी हुआ जा रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा ही आप लोगों के साथ कैप्चर किया हुआ है। तो बस यहाँ पर जल्दी से झाड़ू पोछा कर लेंगे, झाड़ू पोछा करने के बाद थोड़े से कपड़े थे मेरे, मैंने वो भी उठाए हैं और ग्रोसरी का सामान मेरा रखा हुआ था, तो मैंने कहा पहले झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, नहीं तो धूप हो जाती है बाहर बहुत तेज़ वाली, तो इसलिए मैंने पहले झाड़ू पोछा कर लिया। झाड़ू पोछा करने के बाद फिर मैंने कपड़े उठाए, कपड़े उठाने के बाद मैंने ग्रॉसरी का सामान लगाया था, पहले मैंने निकाला फिर मैंने सारा सेट किया, उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि हर दिन सामान आ तो जाता है फिर उसे सेट करना भी पड़ता है और बहुत कहाँ कहाँ सेट करना पड़ता है, थोड़ा ना सब पता तो होता ही है तब भी सेट करना तो पड़ता ही है। तो बस ये थोड़ा सा म्यूजिक लगाती हूँ, आप लोग देखिए एंजॉय करिए वीडियो को। It doesn't matter. Down one more lover. It doesn't matter. I did what I do best. I'm so broken to parts. Feeling restless. Turn off the madness. At all the lights I told. So forget it all, get it off your chest. I paid for it all, buy your happiness. So take it all and walk away like a guest. Like a guest. यहाँ पर मैंने सारे काम कर लिए थे, बस मेरे कपड़े तय लगाने के लिए, बस जल्दी से मैंने फटाफट से कपड़े तय लगाए और इनको भी यथास्थान पे रखना होता है, अपने अपने इनके अलग, मिष्टी के अलग, मेरे अलग, सबके अलग अलग रखे जाते हैं। तो बस यहाँ पर सारा काम मैं कपड़े रख कर आ गई थी और मैंने कहा जल्दी से फटाफट से, मिष्टी का आने का टाइम भी हो रहा था तो मैंने कहा उससे पहले ही जल्दी से फटाफट से, मैं थोड़ा ना लेट भी गई थी 5-10 मिनट के लिए, बीच में रेस्ट भी कर लेती हूँ काम करते करते, तो बस यहाँ पर थोड़ा सा लेट गई थी तो 5-10 मिनट लेटी, फिर मैं आकर बस जल्दी झाड़ू पोछा लगा करने के बाद थोड़ा सा मैं लेट गई थी, लेटने के बाद फिर यहाँ पर सारा सामान निकाल कर रख रही हूँ और जल्दी से फटाफट से निकाल देती हूँ। निकालने के बाद फिर इनको मैं सेट भी करना है, सेट करने के बाद और बस मिष्टी आ गई, तब तक मेरा सारा काम कम्प्लीट हो गया था और मैंने वीडियो की भी एंड, वीडियो को भी मैंने एंड कर दिया था। अब मैंने ये पॉलीथीन का सामान सारा निकाल दिया है, तो बस यही थोड़ा सा सामान था, ज़्यादा नहीं था। तो ये मंथली मेरी ग्रॉसरी शॉपिंग है, तो ये समझ लो आप मंथली ग्रॉसरी शॉपिंग है ये,
तो बस अब पूरे महीने कोई सामान नहीं आएगा, बस अगले महीने नेक्स्ट टाइम फिर से आएगा थोड़ा बहुत सामान। और यहाँ पर मैं देखिए आप लोगों को फुल दिखा देती हूँ, आप लोग देखिए। और मेरे वीडियो ब्लॉग आप लोगों को थोड़े से भी अच्छे लग रहे हों, हेल्पफुल लग रहे हों, तो मेक श्योर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ, आप लोग विश्वास नहीं करेंगे। आप लोगों के लिए वीडियो लाती हूँ, एडिटिंग करती हूँ, बेटी को पढ़ाती हूँ, घर का काम भी करती हूँ, सारे मैनेज करती हूँ। तो आप लोग प्लीज़ हेल्प करिए, आप लोगों की हेल्प के बिना कुछ भी नहीं है, तो थोड़ा सा बस। और अगर मेरे वीडियो ब्लॉग आप लोगों को थोड़े से भी अच्छे लग रहे हों, हेल्पफुल लग रहे हों, तो मेक श्योर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मैं मिलती हूँ एक मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉच।